हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्मण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का, आर्ट्स का हो या साइंस का हो या कॉमर्स के हो, सभी के लिए है इम्पोर्टेंट आपका लेखक और लेखक का जन्म और उनके मृत्यु के बारे में एक शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। आपकी एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, शायद आप लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। तो आप लोग हम इसको इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक दो बार देखिएगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगी। तो हम आपको कोशिश कर रहे हैं टेक ट्रिक के माध्यम से इस पाठ का नाम, लेखक का नाम, उनका जन्म और उनका मृत्यु कैसे याद होगा, हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। आप भी कोशिश कीजिएगा समझने का, वीडियो को देखिएगा अंत तक, शायद आपको समझ में आ जाएगी। जिन चीज़ों के लिए आप दिक्कतों का सामना कर रहे थे, इन वीडियो को देखने के बाद आपका वो सारा परेशानी क्या हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। चलिए तब हम चलते हैं क्लास पाठ का नाम, लेखक का नाम, जन्म, निधन, आप पाठ की विद्या, मतलब इनसे यह जो पाठ की विद्या है किनसे संबंधित है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि इसको आप कवर कर लेते तो आपका 5 मार्क्स निश्चित ही आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है? बातचीत। इसके जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट है। देखिए बातचीत बालकृष्ण भट्ट, तो बातचीत यदि हम प्रारंभ करेंगे तो बालक से बातचीत प्रारंभ नहीं करते हैं, किससे करेंगे बातचीत? 18 और 44 साल के, मतलब 44 साल के पुरुष से या आदमी से करेंगे। देखिए कैसे याद करेंगे, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आपको याद नहीं रहता तो बातचीत किनसे करेंगे? तो बालक से नहीं करेंगे, किनसे करेंगे? 18 साल और 44 साल के आदमी से करेंगे। तो इसका जन्म क्या हुआ? 1844। इन चीजों को शामिल नहीं करेंगे, शामिल करेंगे 23 जून 1844, तो आपका ट्रिक नहीं बनेगा। ठीक है, तीन चीजों का आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद हो जाएगी, दोबारा अभ्यास कीजिएगा। तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। तो बालक से बातचीत नहीं करना है, क्या करना है, किनसे बात करना है? जिसका उम्र 18 और 44 साल के बीच में हो, उनसे क्या करना है आपको? बातचीत करना है। इनकी जो मृत्यु है 1914, तो लास्ट में देखिए सबका लगभग मृत्यु जो है ना 1900 में ही हुआ है, लगभग सबका मृत्यु 1900 में, इसलिए बाद में आप 1900 ऐड कर दीजिएगा। तो 14 साल से बालक से बात नहीं करना है, किनसे करना है? 18 44 साल के आदमी से बातचीत करना है। यदि 14 साल के बालक से बातचीत करेंगे तो उनसे आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो एक भोजपुरी में शब्द है निमन, तो उसका मतलब होता है अच्छा। यदि 14 साल के बालक से बात करेंगे वह आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब निमन नहीं लगेगा, इसलिए क्या है? निबंध है। क्या है ये? निबंध, मतलब निमन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो कैसा ट्रिक हुआ कि बातचीत किनसे करना है? बालक से नहीं करना है, किनसे करना है? 18-44 साल के व्यक्ति से करना है। 14 साल के व्यक्ति से करेंगे तो उनसे बातचीत करने में आनंद आपको नहीं आएगा, मतलब निमन आपका, मतलब निमन नहीं होगा, निमन नहीं लगेगा, मतलब निबंध है। ये क्या है? इसकी विद्या क्या है? निबंध है। तो बातचीत क्या हुआ? निबंध है। ठीक है, दूसरा ट्रिक हम नीचे में देंगे, कोशिश कीजिएगा समझने का, नहीं होगा दूसरा ट्रिक नीचे में दिए हैं, इस ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझा देंगे। तो याद हुआ बातचीत के लेखक कौन, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, मतलब बालक से बातचीत नहीं करना है, किनसे बातचीत करना है? जिसका उम्र है 18 और 44 के बीच में हो उनसे बात करना है। यदि 14 साल के बालक से बात करते तो अच्छा बात करने में नहीं होगा, मतलब निमन नहीं लगेगा आपको, इसलिए क्या है? निबंध है। दूसरा आपका है उसने कहा था, उसने कहा था, जब लड़का ने लड़की को कुछ कहा था तो लड़की क्या हो गई थी? शर्मा गई थी, इसलिए उसके लेखक कौन है? शर्मा, कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, जब लड़का ने उस लड़की कुछ कहा था, लड़की क्या हो गई थी? शर्मा गई थी, धत करके चल गई थी ना, तो शर्मा जी, क्या है? शर्मा, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो कब वो शर्मा गई थी? जब तीन व्यक्ति थे, जब क्या थे उस समय, क्या थे? तीन व्यक्ति थे, तो क्या हो गया था? शर्मा गई थी। तीन याद रखना, 1883, तीन व्यक्ति थे उसमें क्या हो गया था? शर्मा गई थी। और जब वह कब, उनका मृत्यु कब हुआ था? 1922, मतलब जब हुआ दो व्यक्ति उस व्यक्ति को क्या किया था? मार दिया था, इसलिए क्या हुआ? 1922 जब वह शर्माए तो उसको मारा था, क्या, कौन, कितना व्यक्ति? दो व्यक्ति थे, इसलिए क्या हो गया इसका मृत्यु? 1922। ठीक है, और यह क्या था? एक कहानी था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या था? एक कहानी था। तो कैसे याद करेंगे? उसने कहा था, जब लड़का ने उस लड़की कुछ कहा तो लड़की क्या हो गई थी? शर्मा गई थी, इसलिए इसका लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब कब शर्मा गई थी? जब तीन व्यक्ति उस जगह थे, कितने व्यक्ति थे? तीन थे, कौन? 188, नहीं, तो वह क्या हो गई थी? शर्मा गई थी। अब देखिये
जब दो व्यक्ति ने उसे क्या किया, सरमाई थे, जब दो व्यक्ति ने उसको क्या किया था, मार दिया था, इसलिए इसका मृत्यु क्या हो जाएगा, निधन क्या हो जाएगा, 1922। ठीक है, और ये क्या था आपका, कहानी था, कहानी। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, संपूर्ण क्रांति। जब भी कोई क्रांति होता है ना, उसमें नारा लगता है, नहीं जय नारा लगता है, जब भी कोई क्रांति होगा तो क्या नारा लगता है, जय। इसलिए क्या है, संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है, जय प्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति, कोई भी क्रांति जब होगा ना तो उसमें नारा लगता है, नहीं क्या नारा लगेगा, जय। इसलिए इसका लेखक कौन है, जय प्रकाश नारायण। और जब कोई जीतता है उसका साइन क्या होता है, इस तरह साइन होता है, दो का साइन होता है, तो उसका जन्म क्या हो जाएगा, 1902। क्या जन्म होगा, 1902। अब देखिए निधन की बात कर लेते हैं, तो देखिए 1902 में जयप्रकाश का जन्म हुआ था, वो कितना साल जिंदा रहे थे, 79 वर्ष तक क्या हुए थे, वो जिंदा रहे थे, कितना वर्ष जिंदा रहे थे, 79 वर्ष तक, कौन, जयप्रकाश नारायण। जब कोई भी आदमी जब जीतता है तो वो क्या देता है, भाषण देता है, इसलिए यह क्या है, भाषण है, ये क्या है, भाषण है, नहीं। जब कोई क्रांति होगा तो क्या होगा, किसका नारा लगेगा, जय का नारा लगेगा, और जय जब कोई जीतता है तो साइन किसका होता है, दो का साइन, उसलिए उसका जन्म क्या होगा, 1902। और वह कितना साल जिंदा रहे थे, 79 साल जिंदा रहे थे। जब कोई जीतता है तो वो क्या देता है, भाषण देता है, इसलिए क्या है, भाषण है। ठीक है, चलिए दूसरा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के बारे में आप पढ़े होंगे, आधा नर आधा नारी का रूप ही है अर्धनारीश्वर। कौन लिखा था इसको, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी, तो राम राधा जो धर्म क्या, उसको क्या नाम है, रामधारी, रामधारी, राम और राधा, उसका नाम क्या हुआ, रामधारी। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर आधा नर आधा नारी का रूप है, उसी को अर्धनारीश्वर बोला गया। किसने लिखा था, रामधारी, राम और राधा का, राम और राधा मिलन को क्या करते हैं, रामधारी। ठीक है, इसे लिखा कौन हो जाएगा, रामधारी। ठीक है, तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर, दिन कब होता है, 4 बजे के बाद, सुबह 4 बजे लोग जगता है, क्या कहता है, अब सुबह हो गई, मतलब दिन का उजाला होने वाला है, कितना बजे होता है, 4 बजे। इसका जन्म क्या याद रखिएगा, 1904, 1900 सब में ऐड करना आपको, बस शुरू याद रखिएगा, 4। नहीं, अर्धनारीश्वर किसने लिखा, रामधारी, राम और राधा का समागम ही रामधारी होता है, तो रामधारी दिनकर, मतलब कब, 4 बजे के बाद क्या होता है, वो दिन में मतलब कन्वर्ट होने लगता है, सुबह होने लगती है 4 बजे। दूसरा देखिए, उसकी मृत्यु कब हुई थी, 74 में, मतलब क्या, 1974 उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आप जानते हो कि दिन का ढलना कब से प्रारंभ हो जाता है, 4 बजे के बाद से 7 बजे तक, 4 बजे के बाद 7 बजे के बाद क्या, दिन ढल जाती है, वो रात में आ जाती है, याद रखिएगा, 4 और 7, 7 और 4 के बीच में क्या होता है, दिन ढलना प्रारंभ हो जाती है। ठीक ना, ये उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जो मृत्यु जो हुआ, यह हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको भोजपुरी में, निमन, निमन मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये निबंध होगा, ये अच्छा नहीं लगा, क्या हुआ, ये निबंध है, क्या ये निबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका रोज। इसके लेखक कौन है, सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। तो रोज देखिए अज्ञेय, तो रोज घर में अगे अगे कहता है, अगे अगे घर में रोज कहता है, अगे अगे हमको 11 रुपया दो, कितना, 11 रुपया, अगे हमको 11 रुपया दो, क्योंकि घर की कोई देहात में ऐसी भाषा चलती है, अगे रोज की, घर रोज की बात है ये, अगे हमें 11 रुपया या 87 रुपया दो, या रोज मतलब रोज, रोज की कहानी यही है, रोज की कहानी क्या है, अगे हमें 11 रुपया या 87 रुपया दो, या रोज की कहानी बन चुकी है, क्या, अगे हमें 11 या 87 रुपया दो, या रोज की कहानी बन गई है। इसलिए रोज के कहानी के कहानीकार कौन है, अगे है, अगे रोज क्या कहता है वो, अगे हमें 11 रुपया, मतलब 1911 में इसका जन्म हुआ था, 11 या कितना रुपया दो, 87 में उसकी मृत्यु हो गई थी, या रोज रोज कहता था, इसलिए यह क्या है आपका, कहानी है, क्या है आपका, कहानी है। ठीक है, रोज रोज कहता था वो हमें, अगे 11 या 87 रुपया दो, या रोज कहता था, इसलिए यह क्या हो गया, रोज रोज की यह क्या हो गई, कहानी हो गई। ठीक है, दूसरा कह रहा है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र कब लिखते लोग, जब किसी को छोड़ करके चला जाता है, नहीं, या भाग जाता है, तो एक लेख भाग जाता है, मतलब क्या, भगत सिंह, नहीं, एक लेख या पत्र, पत्र किसी कब लिखता है, जब वह किसी को छोड़ करके भाग जाता है, नहीं, तो वह भाग जाता है, मतलब क्या, भगत सिंह, भाग जाता है, मतलब क्या, भगत सिंह। ठीक है, अब भाग जाता, जब वह लेटर लिखता है
तो न्यूनतम वह 7 दिन में क्या होता है, पहुंच जाता है। लेटर लिखेंगे, लेटर बॉक्स में डालेंगे, तो 7 बजे तक अधिकतम क्या होगा, न्यूनतम 7 दिन में वो क्या होगा, पहुंचेगा। नहीं तो अधिकतम कितना दिन पहुंचता है, 31 दिन में। न्यूनतम 7 दिन में पहुंचेगा, नहीं तो उस मंथ तक में 31 दिन में क्या होगा, पहुंच ही जाएगा। यह पत्र क्या लिखता है, पत्र है या लेखक है, दूसरा क्या है, ये पत्र है या लेख है, या ये क्या है, निबंध है। यह हमें अच्छा नहीं लगा, निबंध नहीं लगा, इसलिए क्या ये निबंध है। ठीक है, चलिए, क्या ये एक लेख और एक पत्र। पत्र कब लिखता है लोग, जब भाग जाता है। भाग जाता है क्या, भगत सिंह। जब कोई पत्र लिखता है तो न्यूनतम 7 दिनों में पहुंचता है, नहीं तो अधिकतम कितना दिन लगेगा, 31 दिन लगेगा। इसलिए 1907 में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 1931 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उन्होंने क्या लिखा था, पत्र या लेख या निबंध, यह बात हमें अच्छा नहीं लगा, तो निबंध हो गया। दूसरा देखिए, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, नीरा नीर मतलब क्या होता है, जल होता है। नीर मतलब क्या होता है, जल। नीर को हम कहाँ रखेंगे, जग में रखेंगे, इसलिए क्या होगा, जगदीश। ओ सदा नीरा, नीर मतलब क्या होता है, जल। जल को कहाँ रखेंगे, जग में रखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। नीर को कहाँ रखेंगे, जग में रखेंगे, जग मतलब क्या हो, जगदीश चंद्र माथुर। और जग में कितना दिन तक रखेंगे, 16 या 17 दिन तक। हम जल को, जल को जग में कितना दिन तक रख सकते हैं, नीर को 16 या 17 दिन, 16 या 17 दिन। ठीक है, दूसरा है, जगदीश चंद्र की माथुर की मृत्यु जो हो गई थी 78 में हो गई थी, क्या हो गई थी, 78 में हो गई थी। इसलिए यह बात हमें अच्छा नहीं लगा, निबंध नहीं लगा, इसलिए क्या है, निबंध है। क्या है ये, निबंध है। ठीक है, हो गया। क्या था, ओ सदा नीरा, नीरा मतलब जल। जल को अब जग में रखिएगा, जग मतलब क्या, जगदीश चंद्र माथुर। कितना दिन रखिएगा, 16 से 17 दिन। ठीक है, इनकी मृत्यु क्या हुई थी, 78 साल में इसकी मृत्यु हो गई थी। यह बात हमें अच्छा नहीं लगा, निबंध नहीं लगा, इसलिए क्या है, ये निबंध है। ठीक है, चलिए, दूसरा है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, सिपाही कौन बनता है, जवान आदमी बनता है, कौन बनेगा, मोहन और राकेश। कौन बनेगा, मोहन और राकेश, सिपाही की माँ। इसके लेखक कौन है, मोहन और राकेश। सिपाही कौन बनता है, यंग आदमी बनता है, जवान आदमी बनता है, उसका नाम क्या है, मोहन और राकेश। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम कितना है, 25 वर्ष। उसका उम्र कितना है, 25, मतलब उसका जन्म कब हुआ था, 1925 में, और वह कब मरा था, 72 साल में जाते जाते क्या होता है, सिपाही की मृत्यु हो जाती है। तो आप जानते हैं कि सिपाही बनता है अकेले नहीं बनता है, 4-5 साथी आदमी लेकर नहीं जाएगा उसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, एकांकी, मतलब अकेले सिपाही को बनता है, इसलिए क्या है आपका, एकांकी है। तो सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है, अकेले सिपाही को बनता है। ठीक है, 4-5 साथ में लेकर नहीं जाता है, इसलिए क्या है, एकांकी है, एकांकी। दूसरा देखिए यहाँ पे, प्रगीत और समाज। समाज जब प्रगीत मतलब समाज जब प्रगति करेगा तो क्या होगा, नाम होगा। इसलिए इस लेखक इसका कौन है, नामवर सिंह। समाज जब प्रगति करेगा तो ना उसका उसका क्या होगा, नाम होगा। इसलिए उसका लेखक कौन है, नामवर सिंह है, नामवर सिंह। ठीक है, देखिए, समाज कब प्रगति करेगा, जब आप प्रगति करेंगे, जब आपका नौकरी लगेगा। आपका नौकरी कब लगेगा, जब आप 20 से ऊपर होंगे, मतलब 27 साल के जब हो जाएंगे तभी आप समाज का प्रगति कर सकते हैं। तो 27 साल, इसमें 1927 का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, इसका मृत्यु नहीं दिया था। तो यह देखिए, आप कभी समाज में प्रगति करेंगे तो समाज लग अच्छा नहीं लगता, निबंध नहीं लगता, इसलिए यह क्या है, निबंध है। क्या ये निबंध है, नहीं देखिए, समाज जब प्रगति करेगा तो क्या होगा, समाज का नाम होगा। और नाम कब होगा, जब आप प्रगति करेंगे। आप कब प्रगति करेंगे, जब आपकी उम्र क्या हो जाए, 27 साल तक हो जाएगा, तभी प्रगति करेंगे। बालक रहेगा तो प्रगति कर पाएंगे नहीं, जब आप प्रगति करेंगे तो समाज को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, निबंध है। क्या ये निबंध मतलब निबंध। ठीक है, दूसरा है जूठन। जूठन कौन खा रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठा कौन खा रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठा चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, जूठन चैप्टर, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या कर रहे थे, जूठा खा रहे थे, इसलिए ओम प्रकाश क्या कर रहे हैं, जूठा खा रहे हैं। तो उसकी थोड़ी बात है कि 50 साल के आदमी जूठा खाता है, ऐसा बात है, कोई भी आदमी जूठा खाता है, तो ऐसा नहीं कि 50 साल के आदमी ही जूठा खाएगा। इसी से जन्म क्या हुआ, 1950 में। ठीक है, यह खुद के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या है, आत्मकथा। जब खुद की कहानी बताई जाए तो उसको बोला जाता है आत्मकथा। तो ये क्या है आपकी, आत्मकथा है। ठीक है,
जूठा कौन खा रहा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऐसा नहीं कि 50 साल की उम्र के आदमी ही खाएंगे, किसी उम्र का आदमी भी जूठा खाता है, या खुद के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या है, ये आत्मकथा है। ठीक। दूसरा है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक कौन है? मलयज। कौन है? मलयज, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज है। इनका जन्म क्या हुआ था? 1935 में। इसकी मृत्यु हुआ था 1982 में। लोग अकेला रहते क्या लिखता है, वो क्या लिखेगा? डायरी लिखेगा। क्या लिखेगा? डायरी। ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज है। तो अकेला आदमी कब, अकेला आदमी जब रहता है क्या लिखता है? वो डायरी लिखता है। क्या लिखता है? डायरी। ठीक है। दूसरा है त्रिज। क्या है? त्रिज। त्रिज, सुबह सुबह प्रकाश तिरछी आती है। कब? सुबह सुबह प्रकाश जो आती है क्या आती है? तिरछी। इसलिए इसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश। त्रिज, सुबह सुबह जो प्रकाश आएगी क्या आती है? तिरछी आती है। प्रकाश मतलब क्या? उदय प्रकाश, याद रखिएगा। त्रिज के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। सुबह सुबह प्रकाश क्या आएगी? तिरछी आएगी, प्रकाश। इसलिए क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। दूसरा, कितना बजे सुबह तिरछी प्रकाश आती है? 5 बजे। कितना? 5 बजे या 7 बजे। 5 में 2 को जोड़ेंगे तब 7 होगा। प्रकाश सुबह सुबह तिरछी कब आएगी? 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। 5 बजे से लेकर फिर 7 बजे तक। 5 में 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसलिए 1952 क्या हो जाएगा? इसकी जन्म हो जाएगी। नहीं तो सुबह सुबह प्रकाश आएगा कब? 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। कैसा आएगा? तिरछी आएगा। ठीक है। इसलिए त्रिज के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। 5, 2, 7। ठीक है। और यह रोज की कहानी है। रोज की कहानी ऐसा बन गया है कि सुबह प्रकाश 5 से 7 बजे तक तिरछी रहती है। इसलिए यह क्या है? रोज क्या है? त्रिज क्या है? एक कहानी है। क्या? एक कहानी है। ठीक है। दूसरा देखिए शिक्षा। दूसरा देखिए क्या? शिक्षा। तो कृष्ण मूर्ति क्या है? जय कृष्ण मूर्ति। कृष्ण जी की मूर्ति को देख करके उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। कृष्ण जी की मूर्ति को देख के क्या होता है आपको? कुछ ना कुछ क्या होता है? शिक्षा मिलता है। किसके मूर्ति को देख करके? कृष्ण जी की मूर्ति को देख करके। तो ये कब तक आपको शिक्षा मिलेगी? 95 वर्ष तक। नहीं, उसके बाद तो आपकी मृत्यु हो जाती। तो 1800 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 95 वर्ष तक आपको शिक्षा मिलेगी कृष्ण जी की मूर्ति को देख करके। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1986 में। बस एक ही आपका यहाँ पे नाम है, 1895 में इसका जन्म हुआ था। 1986 में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। ये क्या था? संभाषण था इन्होंने। ये क्या है? संभाषण, इसको याद रखिएगा। क्या ये? संभाषण है। ठीक है। इस तरह छोटा छोटा ट्रिक था, गौर कीजिएगा, आपको निश्चित समझ में आएगी। यदि दिक्कत है निबंध वाला में, एक बार हम आपको और एक ट्रिक देते हैं। देखिए क्या लिखे यहाँ, नारी की बात सदा गीत और लेख से क्या है? बंधा है। नारी की बात, नारी मतलब क्या? अर्ध नारी स्वर। क्या है? अर्ध नारी स्वर। अर्ध नारी स्वर क्या है? निबंध है। देख लीजिएगा यहाँ पे अर्ध नारी स्वर क्या है आपका? निबंध। ये ट्रिक याद रखिएगा, नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। तो नारी की बात, बात मतलब क्या हुआ? बातचीत। बात मतलब क्या हुआ? बातचीत। नारी की बात, बात मतलब बातचीत। ये भी क्या है आपका? निबंध है। यहाँ देख लीजिएगा, बातचीत क्या आपका? निबंध है। नारी मतलब अर्ध नारी स्वर, बात मतलब बातचीत, ये क्या है? निबंध है। सदा मतलब ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। नहीं, गीत मतलब क्या? परगीत और समाज, परगीत और समाज, परगीत और समाज। लेख मतलब क्या? लेख और पत्र, लेख और पत्र। बंधा मतलब निबंध। नहीं, बंधा मतलब क्या हुआ? निबंध हुआ। देखिए ध्यान से याद रखिएगा कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा हुआ है। नारी की बात सदा गीत और लेख से क्या हुआ? बंधा हुआ। बंधा मतलब क्या? निबंध। निबंध, बंधा, निबंध, ये सारी चीजें क्या है? निबंध है। कौन कौन? नारी मतलब अर्ध नारी स्वर, ये निबंध है। बात मतलब क्या? बातचीत, ये क्या है आपका? निबंध है। सदा मतलब क्या? ओ सदा नीरा, ये भी क्या है आपका? निबंध है। गीत मतलब क्या? परगीत और समाज, ये क्या है आपका? निबंध है। लेख मतलब लेख और पत्र, ये भी क्या है? निबंध है। बस इसको याद रखते हैं, नारी की बात सदा गीत और लेख से क्या है? बंधा, मतलब निबंध से है। ठीक है, ये सब क्या आपका? निबंध है।
एक ऊपर का ट्रिक हो गया, इसको दिक्कत होती है। देखिए निबंध लिखे हैं, सारा इस पे बैठा हुआ है, इन चीज को देखिएगा, एक दो बार अभ्यास कीजिएगा, गौर से देखिएगा, जरूर आपको फायदा होगा। आपको फायदा के साथ यदि आपको कोई दोस्त है उनको किसी प्रकार की दिक्कत है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्जाम में फायदा हो जाए, नहीं उनको जो भी परेशानी हुआ उनका उस परेशानी का उस हल हो जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।